महाभारत काल की एक ऐसी नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। इस नगरी का हिस्सा आज भी समंदर में है। कुछ वर्षों पहले इसकी खोज की गई थी। वह नगरी थी द्वारिका धाम, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए थे। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थी, जिसमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद से पूरा नगर खोज लिया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के ADG डॉक्टर आलोक त्रिपाठी पानी के नीचे प्राचीन अवशेषों के विशेषज्ञ हैं। वो महासागर में डूबे हुए खंडहरों को तलाश करते हैं। उनका कहना है कि पानी के नीचे के खंडहर की सबसे अहम खुदाइयों में से एक द्वारका की खोज के सिलसिले में की गई थी। ये जगह अपने इतिहास, धार्मिक अहमियत की वजह से और जाहिर है कि पुरातत्व की वजह से भी खास है। द्वारका मंदिर के पुरोहित मुरली ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण इस शहर में 100 साल तक रहे। द्वारका 84 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ किलेबंद साम्राज्य था, जो गोमती नदी के किनारे स्थापित था। द्वारका मंदिर के प्रबंधक नारायण ब्रह्मचर्य कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर गए तो समुद्र के पानी ने द्वारिका को अपने में समा लिया। महाभारत के तीसरे अध्याय में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण 125 साल बाद इस पृथ्वी से स्वर्गलोक सिधारे तो समुद्र के देवता ने कृष्ण के महल के अलावा बाकी जमीन वापस ले ली। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि द्वारिका शहर सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो शहर डूब गया। वो बताते हैं कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ था। यहाँ कई मंदिरों की एक श्रृंखला मिली है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पानी चढ़ता गया, मंदिरों की जगह आगे सरकती गई। इस अवलोकन ने भारत के चर्चित पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव को आश्वस्त किया कि क्यों ना समंदर के किनारे खुदाई की जाए, ताकि पता चल सके कि यहाँ इस डूबे हुए शहर के वास्तविक सबूत हैं। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के मुताबिक खुदाई और खोज लगाने के काम के दौरान कई तरह की कलाकृतियाँ और अवशेष मिले। हमें यहाँ सुंदर रंगीन वस्तुएं मिली हैं, जिनमें कई रंग इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ से 500 से अधिक कलाकृतियाँ और अलग अलग नमूने मिले हैं, जो कि 2000 वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरता का ठोस प्रमाण है। हमें पानी के नीचे पत्थरों के बने हुए ब्लॉक की शक्ल के ढांचे मिले हैं। हालांकि हमें उन पत्थरों और बाहर मिलने वाले पत्थरों के बीच संबंध नहीं मिला, और वहां बहाव काफ़ी तेज है। समंदर के भीतर से प्राचीन द्वारिका शहर की कई कलाकृतियां मिली हैं, पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ और सिंचाई के उपकरण आदि। लेकिन यहां मिली प्राचीन कलाकृतियों की उम्र को लेकर अभी भी बहस चल रही है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी कहते हैं कि साल 2007 में विस्तृत खुदाई की गई। मैं इस प्रोजेक्ट का निदेशक था। द्वारिका भारत के पश्चिमी छोर पर है। उसकी लोकेशन वही है जैसे कि ऐतिहासिक साहित्य में वर्णित है। यहाँ गोमती नामक छोटी सी नदी है, जो समुद्र में मिल जाती है और द्वारिका की नगरी है। इसलिए इसके इर्द गिर्द 200 वर्ग मीटर जगह को खुदाई के लिए चुना। उन्होंने बताया कि यहाँ हमें 10 मीटर की जगह में खंडहर मिले, जिन्हें समुद्र ने तबाह कर दिया था। हमने तकरीबन 2 नॉटिकल मील × 1 नॉटिकल मील इलाके का हाइड्रोग्राफिक सर्वे कराया। इस इलाके के हाइड्रोग्राफिक सर्वे के डाटा से पता चलता है कि नदी का प्रवाह बदल रहा है। इस जगह पर बहुत सारे पत्थर मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि यहाँ निसंदेह कोई बड़ा बंदरगाह रहा होगा। डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि ये जानने के लिए कि समुद्र की सतह में क्या उतार चढ़ाव आया, हमने कंप्यूटर के जरिए पिछले 15,000 सालों के रिकॉर्ड की एक प्रोजेक्शन बनाई। 15,000 साल पहले समुद्र की सतह 100 मीटर नीचे थी, फिर समुद्र की सतह ऊपर आना शुरू हुई, और 7,000 साल पहले समुद्र की सतह मौजूदा सतह से अधिक थी, और 3,500 साल पहले द्वारिका शहर आबाद था।
इसके बाद समुद्र दोबारा ऊपर आया और ये शहर डूब गया। द्वारका के इन समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था। द्वारकाधीश के मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज और परपोते वज्रभनाथ ने करवाया था, जबकि द्वारकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से करवाया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा द्वारा केवल एक रात्रि में ही इस भव्य नगरी का निर्माण पूरा हो गया था। उस समय यह द्वारिका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन वैभव और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। द्वारिका भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले चार धाम तीर्थ बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम में से एक है। हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार भारत के सात प्राचीन नगर जो सप्तपुरी के नाम से सुविख्यात हैं, जहां की महत्ता इतनी है कि इन नगरों को मोक्ष धाम के रूप में भी जानते हैं। काशी, अवंतिका, अयोध्या, माया, कांची, द्वारिकापुरी। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गोलोक गमन की कहानी मिलती है। इसमें द्वारिका का भी जिक्र है। इसके अलावा महाभारत में द्वारिका के बारे में विस्तार से बताया गया है। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश के सर्वनाश होने का श्राप दे दिया था। इसके बाद पूरा यदुवंश खत्म हो गया और द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। वहीं दूसरी कहानी यह है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के सामने गर्भवती स्त्री का वेश रखकर उनसे बच्चे का भविष्य पूछा था। इस पर क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में पांडवों का समर्थन करने के कारण कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह श्री कृष्ण ने सभी भाइयों को आपस में लड़वा कर उनके कुल का नाश किया, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा और श्री कृष्ण चाहकर भी यह विनाश रोक नहीं पाएंगे और उनको यह विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। आगे श्राप देते हुए माता गांधारी ने कहा कि श्री कृष्ण को अपने निवास स्थान से दूर कहीं किसी घने जंगल में मृत्यु आएगी। उनकी मृत्यु के समय उनका कोई भी अपना उनके साथ नहीं होगा। तत्पश्चात द्वारिका नगरी भी समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। महाभारत के ठीक 36 वर्षों के बाद माता गांधारी का श्राप फलित हुआ और यदुकुल की समाप्ति के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। दूसरी कहानी के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष शुरू हुआ तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि, नारद आदि द्वारिका गए। वहाँ यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। सांप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मुसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुरा कर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर मजरा नहीं बनाने का निश्चय किया। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल्का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, ये सब देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रभास तीर्थ जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आ गए। एक दिन जब अंधक व वृष्णिवंशी आपस में बात कर रहे थे तभी सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। कृतवर्मा के बाद सभी आपस में ही लड़ने लगे। ये लोग वहां पर प्रकट हुए एरका घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे।
ये घास उखाड़ने पर एक मुसल में बदल जाती थी। यह घास उसी मुसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई थी जिसे चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंका गया था। मुसल चूर्ण पानी के साथ बहकर यहाँ इकट्ठा हो गई थी और एरिका घास के रूप में उत्पन्न हुई थी। उसी मुसल का एक टुकड़ा जो मुसल चूर्ण बनाने के बाद भी बच गया था, उसे एक मछली ने निगल लिया। जरा नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके पेट से धातु का टुकड़ा मिला जिससे वह एक तीर बना लेता है। कृतवर्मा के वध के बाद अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां प्रकट हुए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। उस मुसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मुसल में बदल जाती। ऐसा ऋषियों के श्राप के कारण हुआ था। उन मुसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक भोज सिनी और वृष्णि वंश के वीर मुसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब चारुदेश अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक श्री कृष्ण के सारथी ही शेष बचे थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारिका लौट आए। द्वारिका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताया। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्याग की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। यह वही बाण था जो मुसल के टुकड़ों से जरा ने बनाया था। बाण चलने के बाद वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परम धाम चले गए। इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बताते हैं। यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही द्वारका चल पड़ते हैं। अर्जुन जब द्वारका पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे, श्री कृष्ण को याद करने लगे। वसुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊँगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगर को समुद्र डुबा देगा। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। सातवें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।